कंचन पिचकारी तकी मारी बिहारी ने। राधे राधे, जय श्री कृष्णा दोस्तों। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने पिछले वीडियोस में देखा था, बांके बिहारी और राधा वल्लभ टेम्पल की होली उत्सव, और आज मैं इस वीडियोस में कृष्ण बलराम टेम्पल और साजी टेम्पल, जो कि कृष्ण बलराम टेम्पल वो 5000 साल पुरानी है। तो वीडियो को पूरा देखिए, वीडियो में बहुत मजा आएंगे और बहुत ही इन्जॉय मिलेगा, एक भी पार्ट मिस मत करना। ये हमारे फिरंगी भाई है। आज हम सब ब्रो, बहुत मजा आ रहा है इधर का। इधर बहुत मजा आ रहा है। आ रहा है ला, इट्स अमेजिंग प्लेस। ओके ब्रो, यू एंजॉय अ लॉट? या लॉट, अ लॉट ऑफ टाइम हियर। And where is Hey, I am Frankie, you are not. क्या फूट गई? Something footing. भाई यहाँ पे बंदर बहुत सारे हैं, कुछ भी छीन सकता है आपके हाथ से। अगर चश्मा वगैरह हो ना, मैंने वहाँ पे देखा है, एक बंदर चश्मा के लिए कितना भी उसको कह रहा, मगर दे नहीं रहा, वो खुद ही पहन रहा। वो शौक रखते हैं, ट्रेंड है वो बंदर। उनको क्या करता है, फ्रूटी और खाने की चीज दो तो वो रिटर्न कर देते हैं। तो दोस्तों, फाइनली हम पहुँच गए थे कृष्ण बलराम टेम्पल। कृष्ण भगवान का प्लेग्राउंड था, यहीं पर वो खेल रहे थे गेंद के साथ, जो कि गेंद उनकी चली गई थी यमुना में, पर यहीं पर कालिया नाग को उन्होंने भस्म किया था, मारा था, उसी के ऊपर डांस किया था। यहाँ ऊपर भगवान का मंदिर, ये 5500 साल पुराना मंदिर है, आप बोर्ड देख सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे कृष्ण और बलराम दोनों की प्रतिमाएँ हैं, और बहुत पुराना मंदिर है। चलिए दर्शन करके आते हैं। दोस्तों, ये जो कृष्ण और बलराम टेम्पल है, ये 5000 साल पुरानी है। सोचिए 5000 साल, वाओ। अरे आज बिरज में होली रे रसिया, आज बिरज में होली रे रसिया, होली रे होली रे होली जोरी रे रसिया, होली रे होली रे बड़ी जोरी रे रसिया, आज बिरज में होली रे। अरे वाह भाई, क्या सुंदर गाना गाए हमने, मजा आ गया, मजा आ गया, सुनने पे सुहागा। तो दोस्तों, अब हम आ गए थे साजी टेम्पल। ये टेम्पल जो है बिल्कुल राज दरबार की तरह बनी हुई है, तो इसके अंदर का व्यूज बहुत ही मस्त है। तो चलिए चलते हैं अब इस मंदिर के अंदर। और ये फाउंटेन लगी है जो अभी बंद पड़ी हुई है, ठीक है, हो सकता है कहीं शाम को चले, अभी दिन है बहुत ज़्यादा। ये साहजी मंदिर है, यहाँ पर ऑलरेडी डीटी है यहाँ पर, और ये एरिया बना हुआ है जहाँ पे कीर्तन और सभा बैठती है मंदिर की। यहाँ पे बहुत अच्छा वो है, बैठने का स्थान है, और वो है यहाँ लोग आते हैं, और इधर सामने में भी अच्छा दिख रहा है। हाँ, बहुत ही अच्छा वो है एकदम, इसका आर्किटेक्चर वगैरह बिल्कुल डिफरेंट है बाकी मंदिरों से। रोड का सिचुएशन देख लो, हर जगह गुलाल ही गुलाल, धुआं धुआं। तो भाई फाइनली हम लोग थक चुके, पूरा कुछ एनर्जी चाहिए, लस्सी ले रहे हैं हम। बागे बहरे मंदिर के पास में ये लस्सी की दुकान, लोग यहाँ लस्सी पीने भैया, मथुरा आ रहे हो और लस्सी न ले रहे हो तो फिर सफर अधूरा। ये जर यही की गैयाओं की बनी हुई, दूध की बनी हुई गई है। तो भाई फाइनली आ गए हैं अपना लस्सी, कैसा टेस्ट है?
अच्छा है, बहुत मस्त, बहुत मस्त भाई, बहुत मस्त लगा है, मजा आ गया। लस्सी पीने एनर्जी आई, कुछ थोड़ी सी एनर्जी आई, अब आगे का कार्यक्रम करते हैं, आगे चलते हैं, पूरा दिन एक्सप्लोर करना है आज हमारा दिन, बाकी बिहारी जी का दिन है, ठाकुर जी की सेवा में हम लोग। जय हो, जय श्री भैया, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, राधे राधे। तो भाई यहाँ प्रसाद मिल रहा है, थोड़ा प्रसाद लिया जाए, अपना प्रसाद खुद लेने आए, दूसरे को ना दीजिए, राधे राधे बोल के प्रसाद। खाने की दही कढ़ी चावल मिला है, हाँ कढ़ी चावल है, और हम लोगों ने, मतलब आपने क्या सोच के आए थे, मुझे क्या बताया, ये चीज़ बताओ, एक चीज़ बताओ। कुछ नहीं सोच कर आए थे हमें, हमने यही सोच कर आए थे कि भंडारा वगैरह कहीं होगा तो वही ग्रैंड करेंगे और भ्रमण करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे। देखो मैं एक चीज़ कहता हूँ हमेशा अपने, मतलब और भी वीडियो में बोला हो, जिसको घूमने का शौक है ना, सोचो मत कि यार वहाँ रहेंगे कैसे, खाएंगे कैसे, बस आप निकलो सही से, पहले हम लोगों ने खीर ट्राई करी थी, बहुत ही अच्छी गाय के देसी, मतलब देसी गाय के दूध, काजू किशमिश से भरा हुआ था, दूध की बनी हुई देसी, बहुत ही बढ़िया खीर थी। उसके बाद हम आगे गए थे, हमने दर्शन किए, होली खेली, उसके बाद हम आगे बढ़े, उसके बाद हमने लस्सी पी थी, उसके बाद हमारा अब ये तीसरा भोग है जो भगवान की तरफ से मिल रहा है। हमारे एक सज्जन पुरुष आ गए हैं, इनकी स्माइल देखी, अरे वाह, बहुत अच्छा लग रहा है, ये यहीं के लोकल हैं। तो भाई घर से निकलो घूमने के लिए, ठीक है, अगर मस्ती करना है, दुनिया में इंजॉय करना है ना, अपनी लाइफ को स्ट्रेस से दूर रखना है, तो हर चीज़ मिल जाएंगे आपको, घर से निकलो, ऊपर वाले जो गॉड कृष्णा जो है ना, हर चीज़ व्यवस्था करके रखा हुआ है, ऊपर वाला सब अरेंज करके रखा है। हम लोग क्या होते हैं, सोचते यार दोस्त नहीं जा रहा, कैसे जाऊँ, कैसे रहूँगा, मैं कभी कुछ नहीं सोचता, निकल जा, बाकी जो होगा देखेंगे, अच्छे बुरे जो भी होंगे, सब जिंदगी का पार्ट एंजॉय करना चाहिए, बिल्कुल। और जब भी यहाँ तुम वृंदावन में आए हो, भगवान की कृपा है, सौभाग्य से इंसान यहाँ आता है, और वो आया है तो उसकी अरेंजमेंट सारी करके रखते हैं भगवान, कोई दुख तकलीफ नहीं होने देते उसे। तो यहाँ पे भी खाने मिल रहा भाई, लंगर के तौर पर पूरा कंप्लीट भोजन ही मिल रहा है, ठीक है, जो खाओ सब मिल रहा है। तो सोचते यार कि कहाँ घूमेंगे, कहाँ खाएंगे, मजे करो यार, घुमा करो, हर जगह देने वाले बहुत है, ऊपर वालों ने दाता की कमी नहीं रखा। आ गए फोगला आश्रम, यहाँ पे पूछते हैं रहने का क्या है, थोड़ा रुकने का देखेंगे कैसे हो पाएगा, आइए, क्योंकि कौशल्पी में रिक्वेस्ट जो है डिनाई हो चुका है, तो जानते हो जैसा कि अभी होली का समय है, हर जगह फुल चल रहा है, और कोरोना का भी समय है, तो देखते हैं इसमें कैसे क्या है, उसके बाद आगे का अपडेट मिलेगा। सीन कुछ ऐसा हुआ कि रूम नहीं मिला, खाली नहीं है, रूम खाली नहीं है, खाली नहीं है, धर्मशाला इधर भी है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जितने भी वृक्ष है ना, हाँ, ये देवताओं के स्वरूप थे जो भगवान का दर्शन करने के लिए इस युग में आए थे, भगवान के टाइम पर जितने भी वन ये वृक्ष हैं, ये सब के सब तुम देखोगे कि झुके हुए हैं, क्यों?